आज अपने माइक पे बंद रखा करें। क्वेश्चन नंबर 7। लेट ए एंड बी बी टू गिवन पॉजिटिव सेगमेंट्स। कंस्ट्रक्ट पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए बी सच दैट ए पी एंड बी पी इज इक्वल टू, जो रेशियो है दोनों पॉइंट्स के बिटवीन के अंदर जो पी पॉइंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कहता है रेशियो जो है वो ए एंड बी है, एंड सेकेंडली जो रेशियो है वो हमारे पास जो है डिफाइन है क्यू जो अदर पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग है ए क्यू एंड क्यू बी इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी की फॉर्म में। मेरी आवाज आ रही है क्लास आप लोगों को? जी मैम आ रही है। कॉपी पेंसिल सबके पास है? जी मैम है। जी मैम लाइन ड्रा करें। इस लाइन पे दो पॉइंट्स लें ए और बी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। लेट किया यहाँ पे ए एंड बी बी टू गिवन पॉजिटिव सेगमेंट्स। सेगमेंट्स बताएं क्या है, सेगमेंट की डेफिनेशन हमने पहले की है। सेगमेंट डिफाइन करें किसे कहते हैं। मैम एक लाइन जिसके एंड पॉइंट हो यानी कि खत्म हो जाती है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हो, पॉइंट जो एंड हो जाती है उसको सेगमेंट्स के तौर पे उसने कहता है। दो और यहाँ पे लिए हमने एक ही लाइन के ऊपर लिए, गिवन सेगमेंट्स है दो ए एंड बी, यानी कि उसका कुछ एरिया उसको हमने ए कंसीडर किया है, उसका तो कुछ एरिया उसको हमने बी कंसीडर किया। कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन ए बी। ए बी जो लाइन है जिसके हमने दो सेगमेंट्स लिए हैं ए एंड बी के हिसाब से, कहता उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करें दो पॉइंट्स पी एंड क्यू। उन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से हमने ए और बी की रेशियो फाइंड करनी है। अब ए और बी की जो रेशियो फाइंड करनी है उसमें जो पी के हिसाब से रेशियो फाइंड की हुई है वो पॉजिटिव रेशियो है ए ओवर बी की फॉर्म में, लेकिन जो क्यू के हिसाब से रेशियो है वो नेगेटिव रेशियो है। अब पॉजिटिव रेशियो है तो पी कहाँ पे होगा और नेगेटिव रेशियो है तो क्यू कहाँ पे होगा, ये दोनों पॉइंट सिर्फ आपने मुझे भी बताने हैं, उसके बाद हम इसको फर्दर जो है वो आगे सॉल्व करेंगे। सुबह लेक्चर लिया था 8 बजे वाला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से डिफाइन किया था। पी हमारे पास जो है वो बिटवीन में है, या ए बी के प्रोलोंगेशन पी है या बी पी का प्रोलोंगेशन पी है, उसके अकॉर्डिंग रेशियोज जो थी वो नेगेटिव पॉजिटिव या हमारे पास जो थी वो रेशियो बिटवीन टू माइनस वन टू जीरो के फॉर्म में थी, वो सारे मैंने डिफाइन किए थे। जब बिटवीन में होगा तो हमारे पास रेशियो जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की रेशियो डिफाइन हो रही थी। इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ बेशक रेशियो को, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि इस वक्त रेशियो जो है वो किसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आ रही है और किसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रही है। दोबारा से अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इफ पी एंड बी ए एंड बी के बिटवीन में हमारे पास पी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रेशियो बनेगी वो डिफाइनिंग है, नोटिंग द रेशियो इसको डिनोट किया गया है प्रोलोंगेशन के हिसाब से है, डिफाइनिंग सेंटर में है बिटवीन में है सारी यहाँ पे डिफाइनिंग है। इफ पी लाइज ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ बी ए देन रेशियो इज पॉजिटिव, रेशियो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव होगी। इफ पी लाइज बिटवीन जी जीरो से लेस से आ रही है नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव के लिए मैं बोल रही हूँ। बिटवीन में जब होगी तो पॉजिटिव होगी। अब हमारे पास जो पहले वाली डिफाइन है ए पी एंड पी बी, उसके हिसाब से पी जो है वो कहाँ पे आएगा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारी जो डिफाइनिंग है
एपी ओवर बीपी के हिसाब से उसके अंदर जो हमारी रेशियो है उसका रिजल्टेंट आंसर कहता है ए ओवर बी के फॉर्म में है, यानी कि क्या फॉर्म आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव आ रही है। ये देखें एपी ओवर बीपी लाइन सेगमेंट उसने बता दिए दोनों सेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है, इट्स मीन हमारा पी कहाँ पे लाई करेगा, में सेंटर में लाई करेगा, सेंटर ठीक है। सेंटर में कोई भी पॉइंट जरूरी नहीं है कि उसका मिड पॉइंट होगा, सेंटर में कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो लाइन में डिवाइड कर लिया। इसको ड्रा करें और लिखें ए पी और पी बी इज इक्वल टू ए ओवर बी, लाइन ड्रा करें उस पर ए और बी स्टार्टिंग और एंडिंग, इनिशियल और एंडिंग जो पॉइंट है उसको डिनोट करें, पी पॉइंट लें उसमें, उसके अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग सेंटर में पी को माइंड कर लें या आगे पीछे कर लें, लेकिन ए से पी तक का जो एरिया वो ए मिनिमम ए जो माइनर ए है वो है, और पी से बी जो है वो स्मॉल बी जो है उसको एरिया को डिफाइन करें। उसके बाद अब जो हमारे पास फोर्थ वाला पॉइंट है क्यू, उसको हमने डिफाइन करना है। अब क्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग कहता है जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो रेशियो हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव रेशियो आती है। अब नेगेटिव रेशियो के लिए क्यू कहाँ पे होगा ये भी आप लोगों ने ही मुझे भी यहाँ पे बताना है। अब नेगेटिव के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, मैम जी, दो कंडीशन है नेगेटिव के लिए। दो कंडीशन है, दोनों डिफाइन करें किस कंडीशन के हिसाब से। मैम जी, पहली तो ये है कि अगर स्टार्ट पे हो तो 0 और -1 के दरमियान आंसर आता है, और दूसरी ये थी कि अगर प्रोलोंगेशन में हो तो देन आंसर आता है -∞ से -1 के बिटवीन। बिटवीन अभी हमारे पास जो है वो माइनस ही आंसर आ रहा है। क्यू जो लेना है पॉइंट वो अब आप लोगों ने खुद से चूज करना है उस पॉइंट को। पहले वाला हाफ जो है क्वेश्चन वो तो कंप्लीट हो गया, वो तो बिल्कुल सिंपल था, उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ए पी ओवर पी बी जो है वो इज इक्वल टू ए ओवर बी की कंडीशन के साथ जो है वो रिजल्टेंट आंसर डिफाइन हो जाता है। अब सेकेंडली हमने यहाँ पे जो बात करना है ए क्यू ओवर क्यू बी के लिए करना है, क्यू जो है वो पॉइंट लेना है उसी लाइन के ऊपर, लाइन को डिफरेंट नहीं करना, ऐसा नहीं हो कि अब हम क्यू और बी के अकॉर्डिंग लाइन जो है वो डिफरेंट कर लें, वो सेम लाइन है उसी के ऊपर हमने इसको डिफाइन करते हुए चूज करना है। अब पॉइंट कैसे लेंगे, मैम जी, ये हमारी मर्जी है कि हम मतलब कैसे पॉइंट ले लें, नेगेटिव के लिए या स्टार्ट पे या एंड पे। ये आप लोगों के बिल्कुल अपने डिपेंड करता है क्योंकि दोनों पे आंसर जो है वो नेगेटिव की कंडीशन आती है। रेशो का ऊपर तो टॉपिक इसकी जो किया हुआ है, कंक्लूजन ही जी दो जी तरह से, दोनों तरह से ना कर ले सॉल्व दोनों तरह से कर लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, कभी फर्क नहीं पड़ेगा जी। क्योंकि दोनों तरह से नेगेटिव ही हम जस्ट उसको शो करने जा रहे हैं। जी मैम, करें जरा इसे नेगेटिव जल्दी से, मैम जी, ये जो बी से क्यू तक हमने यानी कि लाइन बढ़ाई है, तो वो लेंथ हम कितनी लेंगे, वो कितनी होगी लेंथ? आपने स्टार्ट पे लिया है या एंड पे लिया लास्ट पे लिया है, आपने लास्ट पे लिया है, आप जो दोबारा से लाइन जो दोबारा से डिफाइनिंग की है उसके अंदर लाइन सेगमेंट्स को जो है डिफाइन करें, मैम जी, वो आप उसको ए बी से ले लें। पे। हाँ जी बोले बोले, जी मैम, 1 मिनट में करता हूँ दोबारा, थोड़ी समय लगे। जी मैम, ए क्यू है जो, वो फिर ए प्लस बी आएगा।
ए से क्यू तक आपने ए बी और क्यू लिया है? जी मैम, वो हमारी लाइन थी ना ए बी, वो जो सेगमेंट था उसके ठीक बाद हम निबड़ा के वो क्यू पॉइंट दे दिया लास्ट पे, है, हाँ जी, तो ए से बी तक जो सेगमेंट है उसको ए का नाम दिया हुआ है और बी से हाँ क्यू है वो बी है। ठीक है। तो ये जो रेशियो है हमारी ए क्यू ओवर क्यू बी, तो ए क्यू हमारा जो है वो फिर बराबर होगा ए प्लस बी के। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपने इसको नहीं मेंशन कर देना कि ये मेरे पास ए और बी है, क्योंकि हमने इसको शो करना है माइनस बी ओवर पी, माइनस ए ओवर बी के अकॉर्डिंग। जी इसके अंदर जो ए क्यू है उसको आपने पहले तो डिवाइड करना है बाय थ्योरम। तो थर्ड वाला पॉइंट हमने यहाँ पे चूज किया हुआ पी, या आपने सेकेंड वाले पी अगर बाहर लिया या अंदर लिया उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। जैसे आपने पहले वाली लाइन ली है उसके ऊपर हमने लिया है पहले पॉइंट ए पी, ए पी को अगर मैं क्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? बाय थ्योरम 2.1.4 के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? सपोज मैं इसको क्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, QP माइनस QA होगा। हाँ जी बिल्कुल, उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करके फिर नंबर्स को लिखना, फिर प्रूफ होगा। अगर आप इसको डायरेक्टली लिखेंगे तो डायरेक्टली नहीं होगा। लाइक मैं यहाँ पे ए पी को बाय थ्योरम प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ ए पी इज इक्वल टू क्यू पी माइनस क्यू ए। फिर फर्दर इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सब्सिट्यूट करके फिर हमने इसको सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, क्योंकि डायरेक्टली कंडीशन के हिसाब से इसके अंदर जो साइन है वो दोनों के साथ नेगेटिव की कंडीशन आएगी और ये सेटिस्फाई नहीं होता। तो मैम जी, और क्यू पी वो किसके बराबर होगा उसके अकॉर्डिंग? क्योंकि आपने एंड पे पॉइंट लिया, पी ए जी और बी के सेंटर में लिया था। चलिए मुझे बताएं जरा आपने कैसे पॉइंट लिया, पहले मैं इसको ड्रा करती हूँ। आपने पहले तो ए सिंपल बोलिए आपने पहला पार्ट जो था वो तो आपने सिंपल बताया था ना हाँ, वो तो सिंपल था कि आप कि उसको सेंटर में ले लें, सेंटर जी को लेके फिर उसको हाँ आप सिंपल कर लें। जी, तो वो तो सिंपली वैल्यूज पुट करके वो तो आंसर आ जाता था, ठीक है, लेकिन आपने कहा है कि अब वो जो क्वेश्चन था वो अब तो बाय डेफिनेशन ही कि वो 2.1.4 था जो थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने अभी लिखा था कि हमारा जो है ये ए पी वो इज इक्वल टू है क्यू पी माइनस क्यू ए के, बिल्कुल, ए पी ऊपर तो हमारे पास ठीक है। आगे तो वो क्यू पी जो है हमारा वो किसके बराबर होगा फिर, ये मैं पूछ रहा हूँ। सेगमेंट्स में आप लोगों ने खुद इसको डिवाइड करना है। मैम ये आप करवा दें मैम काइंडली इसको आप लेट उसको। करके करोगे, वो कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग लेट करके अगर आप इसको सॉल्व करोगे फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा, बाय दी थ्योरम भी ये सॉल्व हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगी तो फिर आप लोग खुद क्या करोगे? हाफ पार्ट मैंने बता दिया, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में होगी। अब सिर्फ और सिर्फ इसका ये छोटा सा पार्ट रहेगा जिसके ऊपर आप इसको दोनों कंडीशन में कर सकते हो। कंट्राडिक्शन का मीन ये है कि आप इस लाइन को मजीद एक्सटेंड कर लेंगे और फिर हम उसे बढ़ा लेंगे, लेकिन इस कंडीशन में ये प्रूफ नहीं होगा क्योंकि लाइन को हमने एक्सटेंड नहीं करना। हमने जो लाइन ए बी ली है पहले से ही उसी पे कहता है दो पॉइंट लेने हैं, कंस्ट्रक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू उसी लाइन पे लेने हैं, जो भी हमने लाइन ली है ए बी लाइन उसी के ऊपर। अब पी हमने एंड पे लिया या क्यू एंड पे लिया है वो स्टार्टिंग पे ही हमने इसे चूज करके फिर लेना, उसके अकॉर्डिंग बी और ए हमने चूज करनी। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने वो भी नहीं किए, अगर आप लोग उसे क्वेश्चन नहीं करोगे मैं सारे क्वेश्चन करवाती रहूंगी तो फिर आप लोगों को कुछ से कुछ भी नहीं आएगा। इस वक्त ये छोटा सा पार्ट है तो आप लोगों ने खुद से जी मैम ट्राई पर करना है, ट्राई ठीक इनशाला। है? जी मैम ट्रायल आज आगे भी करना है, ट्राई करके मैंने स्क्रीन आप लोगों से पहले चेक करना है कि किस किसने किया है, उसके बाद मैंने जी फर्दर मैम इसको खुद से करना है अगर किसी से भी नहीं होगा, और जो इसको सॉल्व करेगा उसको जी एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। जी मैम सुभान ठीक अल्लाह, है जी मैम इनशाला ट्राई करें अब सारे ट्राई इनशाला करेंगे यकीनन, लेकिन जो सॉल्व करेगा ट्राई उसे करेंगे। मिलेंगे और जो ट्राई करेंगे उनको भी मैं एडिशनल मार्क्स दूंगी। मुझे आप लोगों ने जी मैम पहले हमने दिखाना जी है अपनी जी कैमरा ऑन करके, फिर मुझे पता चलेगा कि किसने ट्राई किया किसने नहीं किया और कितना कितना सॉल्व किया। जी सही है मैम जी इंशाल्लाह मैम जरूर।
मैं समझ आ गया तो इंशाल्लाह फिर तो कंप्लीट ही कर लेंगे, अगर नहीं आई तो फिर कोई भी नहीं होना। इसमें सिर्फ पॉइंट्स जो हम ये क्लीनियर पॉइंट्स कर रहे हैं, इसमें सिर्फ पॉइंट्स को लेना जो है ना लाइन के ऊपर, स्टार्ट पे लेना, एंड पे लेना, मिड पे लेना, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और मैंने कल ये भी तो बताया था कि पॉइंट्स जब हम लेते हैं क्लीनियर का बोला जाता है, तो इसमें जरूरी नहीं होता कि ए बी सी को हम किस सीक्वेंस के साथ ले रहे हैं। किसी भी अपनी सीक्वेंस के मर्जी साथ होती है लेंगे, कहाँ से। लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑपोजिट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटली कवर हो जाता है। ये उसको ये जरूरत नहीं रहती कि हमें ठीक उसको पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना। अब सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट इफ टू पॉइंट्स डिवाइडेड अ लाइन बाय टू, है, ए बी इन इक्वल रेशियो, देन द टू पॉइंट्स कोइंसाइड। ए बी, दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे, ए व बी लाइन सेगमेंट है हमारे पास, उसके ऊपर दो पॉइंट्स लेने। इफ टू पॉइंट्स डिवाइड अ लाइन, अगर दो पॉइंट जो है एक लाइन को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल रेशियो के साथ, देन द टू पॉइंट्स कोइंसाइड, दोनों पॉइंट जो है कहता वो सेम होंगे। दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन को सेम रेशियो के साथ डिवाइड करते हैं, दोनों पॉइंट्स जो है वो सेम है, ये हमने इसको यहाँ पे सिर्फ प्रूव करना है। मैं क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर ली, ए बी एक लाइन है, ड्रा करें लाइन, इसके अंदर अब दो पॉइंट्स चूज करें हम, टू पॉइंट्स हैं डिवाइडेड इन लाइन सेगमेंट ए बी। कोई से भी पॉइंट्स को नेम दे दें, पी क्यू दे लें या कुछ और नेम दे लें। इक्वल रेशियो से मुझे यहाँ पे बताएं कि इक्वल रेशियो, दोनों पॉइंट्स हैं इक्वल रेशियो, क्या डिफाइनिंग होगी? लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ए बी एक मैं लाइन मतलब है, क्यों इक्वल इक्वल डिस्टेंट होंगे दोनों साइड से, मतलब उनका डिस्टेंट दोनों साइड से सेम होगा, पॉइंट मिडल में होगा। ये तो एक, अगर एक पॉइंट का बोला जाता है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है टू इक्वल रेशियोज के साथ, इसमें इनको जी पॉइंट कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा, ठीक है, जी उसको हमने कंसीडर कर लिया सी। जी लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कहते दो पॉइंट्स हैं, तो मैम हम लाइन को दो पॉइंट है तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करके फिर उसके सेंटर में मिड पॉइंट लेते हुए फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक जी है। फिर इसको जब डिवाइड करोगे, दोनों रेशियोज फाइंड करेंगे, मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करती हूँ, फिर क्लियरली जो है वो कैसे सॉल्व हो जाएगा। यस मैम, मैं एक लाइन ड्रा कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रा की है, ठीक है। इस लाइन को मैं नेम दूंगी, यहाँ पे मेरे पास इस लाइन पे स्टार्ट पे और मेरे पास ये है ए, और ये मेरे पास ये लाइन है पूरी की पूरी यहाँ पे ए से बी तक, ठीक है। अब एक नंबर पॉइंट कहा जाता है तो मैं ये सेंटर में ले लेती हूँ पी, लेकिन वो कहते हैं दो पॉइंट्स हैं, दोनों को हमने ये शो करना है कि वो इक्वल रेशियो जो है वो डिफाइन करें। तो पहले इसको हमने क्या करना है, हमने इसको थ्री पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना है अपनी इक्वेशन को। फोर्थ मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट पी, और यहाँ पे मैं इसका पॉइंट लेती हूँ क्यू। रेशियोज हम फाइंड करेंगे इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, फिर फर्दर जो है तो इसके सेंटर में जो पॉइंट आएगा वो कंसीडर करते हुए हमने इसको, लाइक मैं इसको पॉइंट पी और क्यू लिया, मैं इसको यहाँ पे एस ले लेती हूँ। एट दी एंड डिफाइनिंग आपकी ये होगी कि पी एंड क्यू जो है वो इक्वल टू एस है, दोनों ही पॉइंट जो है वो सेम आएंगे। तो फर्दर हमारे पास जो है वो दोनों पॉइंट, हम यही चीज शो करना चाह रहे हैं कि दोनों पॉइंट सेम है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन लिया कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी, अब आप इसको जो सॉल्व करोगे ए पी और पी एस और फर्दर एस क्यू एंड क्यू बी के साथ इसको करोगे तो दोनों क्यों जो है वो सेम है, सेम ही कंडीशन भी है, फिर फर्दर जो है वो सेम आएगा एस, अदरवाइज जो है वो सेम नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टली इसको प्रूव करना, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक लाइन है ए और बी, कहता है दो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो उसको डिवाइड कर रहे हैं सेम रेशियो के साथ, और पॉइंट शो करें कि वो पॉइंट जो है वो दोनों सेम है, पॉइंट दोनों सेम है। उसके लिए हमने थोड़ा सा कंट्राडिक्शन ले लिया, हमने पी और क्यू दो डिफरेंट ले लिए हैं, और फिर लिए हमने रेशियो लिए ए पी
ओवर पी एस, और सेकेंडली हमने लिया है एस क्यू ओवर क्यू बी के साथ, और फर्दर दोनों को हमने सेम रेशियो को शो करने के लिए दोनों को सेम शो किया है। उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो सॉल्व आउट हो जाएगी कि दोनों पॉइंट सेम है, हमने जस्ट इसको शो आउट करते कर डिफरेंस शो आउट किया। ओके मैम नेक्स्ट पे क्वेश्चन है, इफ आर डिनोट्स द रेशियो, आर ओ ए ओवर ओ बी की रेशियो को डिनोट कर रहा है, आर डैश जो है वो डैश वाले पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है, आगे फर्दर डिफाइन है ओ ए बी ए डैश बी डैश आर को लीनियर, देन शो डैट नंबर्स के साथ उनकी रेशियोज को अगर डिवाइड किया हुआ है तो हमारे पास ये चीज है वो इक्वल टू 0 आती है। इसको शो करने के लिए दो इसमें प्रोसेस हैं, या तो आप 2.1.4 का थ्योरम अप्लाई करें, या सेकेंडली जो ये रेशियो ऊपर दे दी गई है इस रेशियो को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें। आर की जगह पे मेरे पास आएगा ओ एंड ओ बी के साथ आएगा, लीनियर पॉइंट्स हैं उसकी डिफाइनिंग करेंगे, और सेकेंडली मेरे पास ये कंडीशन आएगी, मैं आप इसका एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व कर लें, इक्वल टू आंसर जो है वो 0 आएगा, और इसको 0 लाने के लिए आपको इनकी डिफाइनिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले ए और ए डैश पे। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था कि ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने ए और ए डैश को डिवाइड किया था दो पार्ट्स के अंदर, इसने यहाँ पे सेम एज इट इज होना है, फिर इसने कटिंग होनी है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी मैम। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो हमारे टॉपिक्स हैं ऊपर एंगल्स वाले वो इंक्लूड नहीं है, वो टॉपिक्स मैं यहाँ से स्किप करूंगी, और फर्दर हमारा जो है ज्योमेट्रिक वाला जो मेन टॉपिक है वो आ जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स। और उसके बाद कन्वेंशन एंड डेफिनेशन, पहले आप लोग पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम आगे वाला टॉपिक करेंगे। जी मैम जी, ठीक है। इसमें जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, वो मैं डिफाइन जरूर करूंगी लाजमी, वो पूरी डिटेल है उसके अंदर, वो सारी डिटेल इंक्लूड नहीं है लेकिन सिर्फ कन्वेंशन एंड डेफिनेशन के अंदर उसके अंदर डिफाइन हो रही है पॉइंट ऑफ इनफिनिटी के अंदर, इसलिए मैं उसको सिर्फ डिफाइन करूंगी यहाँ पे, ताकि फर्दर पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आगे वाला कर सकते हैं, अदरवाइज आगे वाला नहीं आएगा आपको, तो पॉइंट ऑफ इनफिनिटी कर देंगे। ठीक है मैम जी। मैम जी, ये जो ज्योमेट्री का जितना भी कोर्स पढ़ना है हमने इसी बुक से पढ़ना है? एक ये बुक है और एक जो दूसरी बुक मैंने शेयर की थी उसके ऊपर भी है, कुछ टॉपिक्स वहां से हैं और कुछ टॉपिक्स यहाँ से हैं। चेयर क्लास में मौजूद हैं तो अटेंडेंस ले लें, फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। जी मैम, मैंने लिख लिया है रोल नंबर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।